कपिल शर्मा शो खतर। आजकल पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है बाजी। सफाई अभियान का एक तो फायदा हुआ है, लोग कॉन्शियस बड़े हो गए हैं, सीधा सीधा कूड़ा नहीं फेंकते। पहले तो होता था ना कि खिड़की खोली गाड़ी की और सीधा पटक करके किसी के मुंह पे आगे चिप्स का लिफाफा और उसका स्कूटर टेढ़ा हो गया, वो चीजें होनी बंद हो गई। लोग थोड़ा चलाकी से फेंकते हैं, जैसे अपना ये दिनेश है ना, ये शाम को वॉक करने गया पाजी, कुल्फी इसने खा ली, वहां पे कुल्फी खा ली, अभी डंडी आ गई वो बड़ी, अब वो देखे इधर उधर सब लोग बैठे हैं, इतना शातिर है ना ये, एक्सरसाइज के बहाने ना ऐसे करके कुल्फी छोड़ दी इसने। पीछे आदमी एक चचा बेचारे सैर कर रहे थे धीरे धीरे, उनके जाके आंख में लगी, कहता बेटा हाथ घुमा रहा है तो डंडी लगी है, पेट मत घुमाना नहीं तो आइसक्रीम बाहर आई। अच्छा भाजी कुल्फी, मेरे को कुल्फी याद आ गई, कुल्फी खाते आपने लोगों को देखा होगा, स्पेशली जो मटके में नहीं आती ठंडी करके करके इसमें ऐसे धुआं निकल रहा था, जब आदमी शुरू करता वो बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है आदमी के लिए, पूरी कुल्फी मेरी है, कोई नहीं, पहले तो चाट के देखता है, पहले 30-40 सेकंड उसको पता पिघलेगी नहीं तो अपना टाइम लेता है, फिर उसके बाद उसका दिल करता है इसको काट के खाऊं एक पीस, वो जो आगे तीखा होता ना वो मिसाइल जैसी, पहली बाइट का जो जिम्मेदारी होती है ना उस दांत को देता है जिससे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उसको, क्योंकि किसी के यहाँ पे सेंसिटिविटी है, गरम सरद लगता है किसी के यहाँ, हर कोई अपने हिसाब से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से खाता है। जैसे जैसे कुल्फी पिघलनी शुरू होती है आदमी की स्पीड तेज हो जाती है, आप देखना वही आदमी जो सेंसिटिव लग रहा होता है ना उसके बाद नहीं देखता कौन से दांत को गर्म सर्द लग रहा है, फिर यहां से शुरू करेगा पूरे। वो खाने की स्पीड बढ़ती है इसलिए नहीं कि हाथ ना खराब हो जाए या फर्श टप गिर रही है, उसके दिमाग में ये चल रहा पूरा दूध मुंह में गिरे, यहां से ऊपर तक जाएगा फिर कुल्फी टेढ़ी। अभी मैं निकल रहा था घर के बाहर तो एक आदमी सड़क पे नहा रहा था बाल्टी लेके, और बाल्टी भी लिखा था कचरा यहाँ फेंके, मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा जाके पता करते हैं कि यार ये इतना अच्छा मतलब सफाई अभियान में बढ़ चढ़ के योगदान दे रहा है, मैं पास गया पूछने बाल्टी कहाँ से ली, भाग गया वो, बाद में पता लगा कहीं पे डस्टबिन लगा हुआ था वो उखाड़ के ले आया। फॉरन में देखा होगा पाजी आपने कितनी सफाई रखते हैं, बिल्कुल, उनके कुत्ते जो छोटे छोटे लेके जाते हैं सैर करने में, वो जाते जाते बीच में कुछ कर जाते हैं तो अलग से टिश्यू पेपर रखा साफ वगैरह करके रखते हैं। हमारे लोग एक तो कुत्ते पालने नहीं आते, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पालें क्या खिलाएं उनको, कुत्तों को भी अजीब अजीब बातें सिखाई, आप देखना कई कुत्ते जो पाले हैं ना लोगों ने उनकी रूटीन बन गई है कि जाके पड़ोसियों के स्कूटर का पिछला पहिया टांग उठा के गीला करना करना उन्होंने। अच्छा फॉरन में देखो कुत्तों के लिए अलग से बिस्किट आते हैं, अलग से पेट शॉप है, उनके अलग से क्लिनिक होते हैं और डॉक्टर उनका इंसान होता है, इतने एडवांस नहीं हुए अभी वो, पर देखो भाजी उनके लिए कितनी फैसिलिटीज होती है। हमारे यहाँ पे जो खुद खा पी लेते हैं ना बाकी जो बच गया वो कुत्ते को देना शुरू कर देते हैं, तो उसका भी एक फूड होता है। हमारे कुत्ते भी बेचारे इतने हो गए ना फ्लेक्सिबल, मटर पनीर भी खाते देखे मैंने कई कुत्ते, सीरियसली। अब फॉरन में चले जाओ भाजी, इनके लिए अलग से होटल्स बन चुके हैं आजकल कि अगर आपके पास पेट है और आप होटल जाना चाहते हैं तो उस होटल में आए, वहां पे अलग से कुत्तों के लिए गेट बनाया हुआ है। हमारे कुत्ते बेचारे इंडियन जुगाड़ू हो गए हैं, इनके लिए अलग से गेट तो होता नहीं, तो गेट के नीचे से यूं करके निकलते हैं, इतने फ्लेक्सिबल हो गए हैं। बसों में सबसे ज्यादा कचरा होता है सर्दियों में, आप देखो ना नॉर्थ में लोग बसों में चढ़ जाते हैं 10-10 रुपए की मूंगफली लेके, फिर काम तो होता नहीं, कोई कड़क पटक पटक निशाना, मतलब थोड़े खेल भी खेलते हैं वो, यहीं से निशाना अंदर, कभी कभी ऐसा होता है दो दाने निकले एक मुंह में एक नाक में, उनका चलता रहता है। अच्छा कुछ और ज्यादा हाइजीनिक होते हैं, पहले तो मूंगफली काटते हैं उसमें से निकालते हैं 3-4 दाने, अलग अलग होता है ना, एक सिंगल होती है, एक डबल, एक ट्रिपल स्टोरी भी होती है, उसके बाद फिर वो जो लाल ड्रेस में होता है ना मूंगफली का दाना उसको रगड़ते हैं, फिर फूंक मारते हैं, फिर 4-5 छिलके इधर वाले के कान में जाते हैं 4-5, उसके बाद में खाते हैं। मूंगफली के दाने को भी बड़ा गुस्सा आता है, कहता डबल कवर होने के बावजूद नंगा करके खा रहा है ना। कहता कल सुबह तेरा भी डबल जोर ना लगवाया तो कहना। आप बस का स्टॉप आपका आता है, आप उतरो, आपको आपकी सडनली आपका एटीट्यूड राजकुमार साहब जैसा हो जाएगा। आप चलो तो क्रच क्रच की आवाज आती, नीचे मूंगफलियां मूंगफलियां लगी, मेरा बस सवारियों को छोड़ के लगा मूंगफलियों को छोड़ के आई है। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग चलती ट्रेन में सामान फेंक देते भाजी, कुछ भी फेंक देते, खा पी के चाय का कप फेंक दिया। अब जो पीछे खिड़की में बैठा बेचारा लेट रहा है ना सोया हुआ, जो मुंह खोल के उसके मुंह में पत्ती पत्ती चबा जाता नींद में, वो
सपने में आदमी कुछ भी सोचता है, वो बेचारा एकदम से ब्रेक लगती तो पूछा दार्जिलिंग आ गया, दार्जिलिंग कहता दार्जिलिंग का पता नहीं, आंख बंद करके सो, अभी बच्चे का डायपर भी आएगा, चल। शुक्रिया। जनरल डब्बे में आप देख लो, जिस आदमी के पास सीट है ना, उसको अगर बाथरूम आ जाए, हाँ, उसकी किस्मत है, डिपेंड करता है उसके स्टैमिना पे कितनी देर रोक सकता है। हाँ। तो पहले पहले तो आदमी ऐसा बैठा होता है खुल के आराम से, फिर जैसे जैसे उसका प्रेशर बढ़ता रहता है तो फिर वो यूं भी होने लगता है, फिर चेहरे पे आ जाता है, फिर आंखों से पता चलता है कि अब नहीं रुका जाएगा, फिर नहीं देखता वो कौन बैठा, फिर सर पे लात रख के निकलता है वो। अच्छा, बड़े लोग तो रोक लेते हैं, बच्चों से रोका नहीं जाता। फिर माए ऐसे ही करती ना बच्चे की, ये बेटा कर ले, शीश, बच्चा लगा हुआ जी। और जब बच्चा ये काम कर रहा होता है तो उसके पीछे वाली खिड़की वाला आदमी जंग लगी खिड़की को जितनी ताकत से बंद करता है ना, वो फिर वही जानता है। अच्छा, मैंने हाल ही में एक न्यूज देखी, पूरी दुनिया के 10 खतरनाक बीच जो हैं, उनमें से एक इंडिया का बीच भी था और वो हमारे मुंबई का ही था। अच्छा, 9 बीच जो बाकी खतरनाक दिखाए, वो सब इसलिए खतरनाक है क्योंकि कहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ आते हैं, कहाँ पे वो शार्क आती हैं। हमारे यहाँ पे दिखा कर कचरा बहुत है। तो ये सब चीजें एक्चुअली जो है, ये चिंताजनक है ये विषय जो है, और हमारे लोगों को ध्यान देना चाहिए। फॉरन के लोग अपना अपने बीचेस खुद साफ रखते हैं, वहां पे बैठे हुए ना ऐसे, बीवी भी साथ में, और टैन होने का बड़ा शौक होता है उनको, थोड़ा धूप में ही थोड़ा खाया पिया, कोल्ड ड्रिंक जो भी खा पी के अपना थैली में डालते हैं, उसके बाद बीच से निकलते हुए डस्टबिन में डाल के जाते हैं। हमारे इधर थोड़ी करते हैं, हमारे इधर तो इतनी पी के बैठे तो समझ में नहीं आता समंदर कहाँ है, इस तरफ के इस तरफ घुमा घुमा के कैन पैक फेंक रहे हैं। तो आप देख लो समंदर का, स्पेशली इंडिया में रात को हाई टाइड क्यों होता है, समंदर में आप गंद फेंकते हो, शाम को समंदर को गुस्सा आता है, फिर सारा बाहर फेंकता है, ये लो तुम ही लोगों ने फेंका। अच्छा, कुछ तो इतने बदतमीज होते हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग अब बीच पे घूमने गए हैं, बियर वियर पी ली है, आसपास बाथरूम कोई नहीं, फिर आइडियाज आते हैं, फिर ऐसे करके जाएंगे जैसे टहलने जा रहे हैं, ऐसे चलते चलते ना धार छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। दोनों हाथ भी जेब में, पता नहीं चलता क्या कर रहा है, फिर धीरे से करके आते हैं वापस, पानी बड़ा ठंडा है, पानी बड़ा, तू जो गर्म करके आया उसका क्या। आप देख लो कहीं बहुत साफ बीच होगा ना, आप किनारे पे रेत में आप खोद के देखो, थोड़ा सा खोदोगे नीचे पानी निकल आएगा। अपना कोई बीच खोद के देख लो आप, ज्यादा खोलने की 4 इंच खोदो नीचे से भुट्टा निकल आएगा, खा के वहीं गाड़ देते कि पता नहीं। अच्छा, आजकल जब से ये 500,000 के नोट बंद हुए ना, कुछ लोग उसको अच्छा बता रहे हैं कि चलो अच्छा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो है वो सुधार आएगा, देश आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज कुछ लोग को थोड़ी जहमत उठानी पड़ रही है, लाइनों में लगना, बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, कुछ लोग फालतू में पब्लिसिटी भी लेने लगते हैं, कुछ लोगों को वैसे ही होता है कि सलाह दें चाहे कुछ भी ना करते हो। हाँ। एक आदमी बैठा बैठा फेसबुक पे अपना वीडियो बना के लाइव डाला, मोदी जी को सलाह दे रहा है। हाँ। नहीं, देश बढ़ना चाहिए आगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जेटली साहब 6 महीने पहले आपको बता देना चाहिए था। ऐसे आदमी की वीडियो पे एक ही कमेंट आता है, वो भी उसकी बीवी का, कि तेरे को छुट्टे कराने भेजा था, यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाना, निकल यहाँ से, बीवी सुनती नहीं सरकार को सलाह दे रहे। अच्छा, हम सफाई अभियान की बातें हो रही हैं, तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, बिकॉज मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने एक मुहिम शुरू की है, लेकिन जब तक आप सब लोगों का, हम सबका सहयोग नहीं होगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। सो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या क्या सुझाव आप अपनी तरफ से हमारी गवर्नमेंट को दे सकते हैं? जी मैम। हेलो एवरीबॉडी। हेलो जी। मैं एक बात पे खास ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जहाँ पे लोग देखते हैं कि यहाँ हमको कोई नहीं देख रहा, जी, वहाँ कुछ भी कर देते हैं। जी जी। मसलन आप एक दो एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे मेरे घर के एकदम बाजू में ही पार्क है, वहाँ कम से कम 20-25 डस्टबिन लगे हैं, फिर भी लोग पानी की बोतल, रैपर्स, चॉकलेट के कुछ भी कहीं भी डालेंगे। हम जैसे लिफ्ट में देखते हैं जी, तो कोई भी लोग आ रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा, पान खाया है, गुटका खाया उधर ही। हाँ, ये बात सच है आपकी, वो बड़ी गलत चीज़ है। अगर सब ये सोच लें कि कोई नहीं देख रहा है तो भी हम ये नहीं करें, तो अपने आप सफाई
चलने बढ़ती जाएगी आगे आगे। मैडम फॉरेन कंट्री में, जब फॉरेन कंट्री में हम लोग जाते हैं उन लोगों को देखते हैं, वहां नहीं करते। हाँ, ये गलत है ना, क्योंकि वहां पेनल्टी है। तो फिर ये अगर इंडिया में भी थोड़ी सी पेनल्टी लग जाए तो शुरू हो जाए ना। किसी को जवाबदेही होने से पहले अपनी आत्मा को जवाब दीजिए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सब कुछ फिर सपनों। एक बात कहना चाहूंगी सिद्धू जी, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू। जब आप चौके छक्के मारते थे तो मैं बोलती थी मैं सरदार नहीं हूँ, मेरा पुत्र खेल रहा है। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो आप क्रिकेट की फैन है? बहुत बड़ी। आपने एक मैच देखा था? 1990 वाला भी देखा है। अच्छा पाजी, 1990 वाला मैच तब पता नहीं कितना फेमस था, आजकल बड़ा फेमस है। वो कपिल ने किया है। नहीं नहीं, उन्होंने किया तो हुआ ना। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में, शुक्रिया। और कोई मेरे दोस्त? हाँ चिंटू ले लो माइक, ले लो। क्या नाम है आपका? चंपक। राज। राज, राज। हेलो। दिल वाले दुनिया ले जाएंगे वाला राज। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ओए किसने बोला भाई चंपक, किसने बोला? हां मैं बोला। आजकल लोग है ना, ज्यादातर घर में रहने से ज्यादा फेसबुक सोशल नेटवर्क पर ज्यादा रहते हैं। तो हम लोग 45 फ्रेंड्स और एक मैं, हम लोग ने फेसबुक पर पेज बनाया। तो फर्क क्या है, आप ही तो फेसबुक पर रहते हैं। सर हम लोग पब्लिक प्लेस और भी कोई भी प्लेस जहाँ ज्यादा गंदगी रहती है वहाँ पर ही पब्लिक ज्यादा करती है। तो फिर हम लोग सर वीडियो उतारते, फिर बात करते कि क्यों कर रहे हो ऐसे सब, अभी सफाई अभियान चल रहा है ये वो। फिर एक बार सर मैं गया तो एक यानी एकदम खड़ूस टाइप था, उसने तम्बाकू खाकर स्पिट किया। तो फिर मैंने उसको बोला सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी कि अभी हम लोग सब साफ कर रहे हैं। उसका भी वीडियो उतारा आपने? हाँ। तो उसने आपकी कमीज तो नहीं उतारी? अच्छा सर, सर उसने स्लैप कर दिया मेरे को। जो स्लैप कर दिया? हाँ सर। वेरी रूड। क्या फिर जो मेरे फ्रेंड थे जो छुप के वीडियो उतार रहे थे वो लोग आए, फिर दो चार आदमी और आए, उसने देखा, फिर सब हम लोग सब फ्रेंड ने बोला कि सर ये वीडियो भी है। तो फिर उन्होंने मुझे सॉरी भी बोला और सब पब्लिक ने मिलके उससे वो जो जिसने उसने थूका था ना वो साफ साफ भी कराया। वेरी गुड सर। मैं एक पर आपने बहुत अच्छा काम किया सर, एक बार स्लैप किया, मैं आपको सल्यूट करता हूँ सर। थैंक यू सर। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इंडिया में इतनी तो बोलनी है, तो वो भी बोल देता है तो पूछना क्या है। सर पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में सिर्फ दो ही चीज़ अच्छी हो रही है पूरे वर्ल्ड में, आपका कॉमेडी शो और सफाई अभियान इंडिया में, ये दो ही चीज़ अच्छी हो रही है। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। आपने वीडियो बनाया गंद मचाते हुए आदमी का, उसने आपको आपके साथ झगड़ा किया, लेकिन आपने उनको समझाया, उनसे सॉरी फील करवाया। मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट करता हूँ, लाइए। ये आपके लिए माइक तो ले लो इनका। आपका माइक कहाँ चिंटू? राज। हाँ सर एक बात बोलना चाहता हूँ सर, मैं अभी स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ सर, अभी अभी मैंने शुरू। आप एक्टर हैं? हाँ सर, यानी अभी अभी तो ये एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे, फोन ले जाओ भाई। सर एक्टिंग नहीं कर रहा था मैं सर, सीरियस हूँ मैं। सर एक बात बोलना चाहता हूँ सर, मैं अभी अभी शुरू किया हूँ और मेरी बैठ के बात करते हैं। अच्छा एक बात तो बोलने दो, जो एक बात बोलनी है उन्होंने, एक बात क्या है? मैं सर अभी अभी है ना ये एक्टिंग लाइन में हूँ, यहाँ पर बैठना, बड़े बड़े स्टार यहाँ बैठते सर, मुझे यहाँ पर बिठा है। नहीं, नहीं, बड़े बड़े स्टार यहाँ बैठते, मैं इधर बैठता हूँ। सर एक बात बोलना चाहता हूँ, बड़े बड़े स्टार इनसे मिलते। कितनी बातें, जब आप बोल ही रहे हो लगातार तो बोल दो ना, ये भी क्यों पूछते हो, एक बात बोल के आप 40 बातें करते हो फिर। आ जाओ। पर बहुत बहुत राज, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चल के आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये आपके लिए मोबाइल है। क्या है अभी, क्या है सर, जो बात बोलना था वो बात तो अभी मेरे को पता क्या लग रहा है, उस आदमी ने थप्पड़ किसी और वजह से मारा होगा। अरे सॉरी मजाक कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो एक बात बताओ। नहीं सर जो बात था वो तो आपने बोलने ही नहीं दिया। मैंने नहीं बोलने दिया।
बात तो बता दो मेरे भाई। अरे बैठ जा फिर आज, बात तो बता दो। सर मेरी मम्मी को और मेरी मम्मी दिल से चाहती है कि मैं ये एक्टिंग में लाइन में आऊँ। अच्छा, मेरी मम्मी को भी बड़ा शौक था मुझे टीवी पे देखने का। आपकी मम्मी बैठी है। हाँ। खड़ी कर दूँ? हाँ जी। जैसा आपने बोला कि आपकी मम्मी भी आज चाहती थी, वैसे मेरी मम्मी भी चाहती है कि, यानी आज मैं निकल रहा था तो फिर मम्मी ने बोला देख अगर तेरे को है ना सवाल वाल पूछेंगे, यानी मैं बहुत शाई टाइप का हूँ, तो मेरी मम्मी ने सवा घंटे से स्टेज पे बैठा हुआ शाही है। यानी सर अभी बोलने का मौका मिलता है तो थोड़ी ना कोई मौका कहाँ, मैं कहाँ मौका दूँ, अलग से सेट लगवा दूँ आपको मैं, मौका बोल तो रहे हैं आप। तो वही सर मैं बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू मम्मी, आई लव यू। सो स्वीट, अच्छी बात है, आप अपनी माँ से प्यार करते हैं और अगर आपकी लगन सच्ची है आप जरूर कामयाब होंगे जो भी आप करना चाहते हैं। सो ये आपके लिए खूबसूरत सा मोबाइल, कोई एक बात तो नहीं कहनी कोई? अच्छा और कोई नहीं? थैंक यू सर, रोज आपको टीवी पे देखता था आज शाम। ले यार मोबाइल, चलो उधर। थैंक यू, शुक्रिया। ओके एक बात मैं बोलना भूल गया, तू बोलता बहुत है यार, शुक्रिया। नानी ये क्या कर रही है तू? मैं यहाँ पे सफाई अभियान की बात कर रहा हूँ, तू बाहर कूड़ा फेंक रही है। अच्छा तो घर की सफाई करके कूड़ा भा नहीं तो क्या घर में फेंकू? घर में कितनी गंदगी है तुझे पता है? और कप्पू सुन तो सही, तुझे पता है हमारे घर में एक टॉयलेट है? हाँ, पिछले 10 साल से खामखा हम बेडरूम में जा रहे थे, बोलो। अरे 10 साल बाद सफाई करोगे तभी पता चलेगा घर में क्या क्या है। माफ करना, इस उम्र में हर रोज मुझे सफाई नहीं होती। हाँ, जोड़ों का तेल खत्म हो गया है और सिद्धू जी हालत तो ये है, जरूरी काम के लिए नीचे बैठो तो 3 घंटे लगते उठने के लिए, बोलो। तो बैठने की जरूरत क्या है, काम खड़े खड़े भी तो हो सकता है। माफ करना कप्पू, हर काम खड़े खड़े नहीं होता। ये देख कप्पू, घर की सफाई करते करते मुझे क्या मिला? क्या है? बड़ी ताजमहल की सफाई की, सोना चांदी मिलेगा। तेरी हाजमे की गोलियां मिली होंगी क्या है? और चुप कर, ये देख। देखो देखो, सन 1950 का वो ऐतिहासिक अखबार जिसमें नानी का फोटो और उनका नाम भी छपा था, ये देख। हाँ, दिखा। ये देख। अरे वाह, एक लड़की घर का बाथरूम तोड़ के प्रेमी संग फरार, माँ बाप ने ली चैन की सांस। ये नानी तूने आज तक जिंदगी में दो ही काम किए हैं, एक तो बाथरूम से भागी अब भाभा के बाथरूम जाती है। और क्या क्या मिला? ये देख, तेरे नाना की लाठी, ये लाठी पकड़कर वो बाथरूम जाया करते थे। ए, नाना हैरी पॉटर था जो लाठी बैठ के बाथरूम जाता था? अरे भी बोल रही है नहीं बाबा, कुंडी नहीं थी ना तो ये टिका कर वो बैठते थे। वो सिद्धू साहब, एक दिन मेरा पेट खराब, जोश जोश में मैंने दरवाजे पे यल कस के लात मारी, वो टिका कर बैठे थे, बस उसी दिन नाना की लाठी भी टूटी और नाक भी। और क्या क्या? बस आपको डालना उसके अंदर, उस दिन वाला नाना का कच्चा भी है उसमें। इतना कोई सामान मिल रहा है अंदर जाके चेक करके? आप तो नाना ही मिल जाए तुझे। ये क्यों नहीं सोची मैं, नाना के स्पेयर पार्ट मिल गए, नाना भी जरूर मिल जाएंगे। मैं भी आई। आज खुश तो बात हूं ना मैं? डॉक्टर साहब गलत बोल रहे हैं आप, ये बोलिए आज बेवकूफ तो बड़ा लग रहा हूं मैं। खुश भी। हेलो हेलो मिस्टर पाउट, बेवकूफ ने खुशी हो, मैंने ना फंक्शन रखा हुआ है, ये ला तुम्हारे लिए कार्ड, लेट मत होना, खाना खत्म होते ही आ जाना, ठीक है?
कौन चैनल लेकिन संगीत का रंग बिरंगा कार्यक्रम स्थान 50 हॉस्पिटल निवेदक डॉक्टर गुलाटी एंड मरीज बैठने के लिए अपनी कुर्सी खुद लेके आए. शुक्र है कुर्सी बोला इन्होंने, ये नहीं बोला अपना पिछवाड़ा भी खुद लेके आए. ये क्या फंक्शन क्या है, मुंडन है आपके? कैसे आदमी है सिद्धू साहब, इतना नहीं पता भी मुंडन बचपन में होता है, बड़ों का मुंडन नहीं होता, इतना भी नहीं पता. एक्चुअली लेट मी कम टू द टॉपिक. मैंने इसलिए फंक्शन रखा हुआ क्योंकि 100 ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो चुके हैं मेरे. तो आपको तो जेल होनी चाहिए फिर. सेलिब्रेशन किस चीज की है? 100 अनसक्सेसफुल ऑपरेशन हुए, लोगों ने मेरे को बड़ा मारा, लेकिन देखो मैं अभी भी चल फिर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, इस बात की सेलिब्रेशन है. हेलो हाजी यार, हद है. इतना बड़ा फंक्शन रखा हुआ है यहाँ सोसाइटी में, कैसी भैंस भेज दी तुमने? 1.5 किलो मैंने उसको नींबू खिला दिया, 100 ग्राम पनीर नहीं दिया उसने. एक बात बोलूं? बोलो बोलो. आज तू पहला बंदा जिसकी ड्रेस देख के मुझे हंसी आ गई है. ऐसा लगता है स्पेशली अंग्रेज इसको बच्चे उठवाने के लिए बुलाते होंगे. बढ़िया सी बात है. चल रहे दे. आज मैं बहुत खुश हूँ कपिल शर्मा. अच्छा, आज पुरानी टांगों में नया कच्छा डलवाया. आप अपने कच्छे में नई टांगे डालते हो? मेरा फोन आ गया. मेरा फोन आ गया. और कपिल शर्मा, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है. अच्छा, मेरा लोन पास हो गया है. भले मैं दुबई नहीं जा पाया हूँ, लेकिन मैंने इधर ही दुबई बना लेना है. रेत मैंने मंगवा ली है, 20x30 का छोटा सा दुबई बना लेना मैं इधर. छोटा सा दुबई मतलब इतना सा बुर्ज खलीफा होगा ना? छोटे से दुबई वहाँ पे इतने ऊंटे हो गए 4 फीट के, मैं कुत्तों को ऊंट बनाओगे? एक मिनट रुके, मैं जैकेट पहन के आता हूँ. वो कहाँ जा रहे हो कपिल शर्मा, कहाँ जा रहे हो? पागलों जैसी बातें कर रहा है, डॉक्टर को तो दिखाएं जाके. रेत मंगा लिए, ऊंट मंगा लिए, तूने पागल हो गया तू? कपिल शर्मा मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ. और मैंने सोसाइटी में फंक्शन रखा और तुम्हें आना पड़ेगा. मैंने नहीं जाना तेरे फंक्शन पे. क्यों नहीं जाना? पिछली बार गया पाजी मैंने इनके रिश्तेदार, पहली बार मैंने कोल्ड ड्रिंक के लिए लोग रोते हुए देखे. आपको पता है इतनी सी आइसक्रीम के लिए इसकी बूढ़ी दादी ने इसकी ताई पीट डाली आपको. ऐसे रिश्तेदार इनके. नहीं नहीं कपिल शर्मा तुम इधर आओ. नहीं नहीं नहीं, तुम कप्पू को ले जाओ, ये हो नहीं सकता. मैं कप्पू को छोड़ दो ये मैं दूंगा. और मैं करके बताऊंगा तुमको. ना मेरी बात सुनो. क्या? मेरे ना रिश्तेदार बैठे हुए, उनके सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी. मैंने उनको कहा हुआ है कि मैं डॉक्टर तो दिखाने के लिए, असल में तो मैं कलेक्टर हूँ. तो उन्होंने मान लिया? हाँ, मैंने उनको एम्बुलेंस दिखाई, मैंने कहा ये देखो बत्ती वाली गाड़ी, मान गए. ये दोनों लोगों ने इतना परेशान किया ना, ये उसके रिश्तेदारों के बारे में, उसके बारे में बोल रहा है. तेरे रिश्तेदार कैसे हैं? बहुत अच्छे. बहुत अच्छे पाजी, इनके प्लेट ही नहीं खाने को. अच्छा, ऐसे चावल लेते हैं, ऐसे दाल लेते हैं, उसको मिक्स करके गोले बनाते हैं. फिर सारे रिश्तेदार लाइन बैठते, कहता चाचा निशाना नाभि पे लगना चाहिए. देख भाई आखिरी बात तेरे ऊपर थी, तो मैं जीत गया. तो कप्पू अब तुम मेरे साथ चलोगे? चल. एक मिनट, मैं इधर कैसे आ गया? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा. क्यों चलना होगा? इनको मेरे साथ चलना पड़ेगा. इधर मेरे साथ चलना पड़ेगा भाई, मैं लेके जाऊंगा. लेकिन क्यों लेकर जाएंगे? मैं लेकर जाऊंगा. नहीं नहीं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन है, मैंने बहुत बड़े सिंगर को बुलाया हुआ है. तो मैंने भी इधर संगाड़े बेचने वाले नहीं बुलाए, मैंने भी बहुत बड़े सिंगर बुलाए हुए हैं. ठीक है, एक काम करो तुम लोग, तो दोनों अपने अपने सिंगर्स को बुलाओ. मुझे जिनका सिंगर अच्छा लगा मैं उसके चरहां पे चला जाऊंगा. ठीक है? पक्का? पक्का पक्का. एक बार दलेर बाजी का और मिका बाजी का जोरदार तालियों से स्वागत. डॉक्टर साहब, हम ऐसे लड़ रहे थे, ये मीका पाजी और दिलेर पाजी दोनों आपस में भाई निकले. मैं सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करता. हाय, आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी. डॉक्टर मिश्र गुलाटी के मतलब वर्ल्ड फेमस गाना है, कंजली क्लोल कर दी बोले तारा रारा बोले तारा रारा. ये नहीं सुना तुमने? ओके, एज ए डॉक्टर मैं आपका टेस्ट करना चाहूंगा, मेरे फर्ज बनते हैं. अगर आप दोनों भाई हैं तो फर्ज आपके नहीं बनते, आपके पैसे बनते हैं. फालतू में बकवास कर रहे हैं आप. क्या टेस्ट करना है आपको उनका?
कौन से पैसे दिए मैंने, इतने टेस्ट किए थे उनके भाई हैं, भाई इन्होंने कहा ना भाई तो मेरा इनको टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बट या आई वुड लाइक टू डू योर टेस्ट बिकॉज़ आई एम अ डॉक्टर। टेस्ट करो जी। लेट मी गेट माय मेडिकल किट। आप दोनों भाई हैं लेकिन आपको पता नहीं है आपका जो फ्रंट दांत था टूटा हुआ है। मेरे दांत तो पूरे यार। नहीं नहीं नहीं, ये वाले टीथ की बात नहीं कर रहा हूँ, दांत जो ये जो आपका ना कॉमन कंगा है ना, इसका ये जो दांत है ये टूटा हुआ है। ये देखिए दांत निकला हुआ है यहाँ से और इस पर तो कैविटी भी लगी है। सो ब्रश योर टीथ, दिस इज योर कॉमन कंगा, मैंने आपके घर से लाया है। ओके। इसको आप सूंघिए, आपको रोज की खुशबू आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप झूठ बोल रहे हैं, गुलाब यानी सेम आपका एक है। आपको बैंड में एक कोई सफेद साड़ी पहन के लेडी दिखाई दे रही है आपको? दिलेर जी? जी नहीं। आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल एक आदमी दिखाई दे रहा है मेरे को जो थोड़ी देर में साड़ी पहन सकता है, पता नहीं। क्या उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हैं आप? उल्टा पुल्टा सवाल नहीं, ये मैं डीएनए टेस्ट कर रहा था। डीएनए टेस्ट कहां से? इक्विपमेंट है आपके पास? दांत, नाक और आंख, ये तीनों टेस्ट की ना डीएनए। दोनों भाई ही है, ये प्रूव हो गया है। एंड कंग्रेचुलेशंस एंड फॉर द प्रोग्राम जो आप हमारे लिए कर रहे हैं, उसके लिए ये मैं आपको कुछ पेमेंट देना चाहता हूँ, ये आपके लिए। डॉक्टर साहब आप कैश लिफाफे में डालकर दे रहे हैं? कैश दे रहे? तुमने देखा इसके अंदर घुस के क्या है? इसके अंदर मैंने चेक डाला हुआ है, सब वाइट से हो रहा है आजकल काम। ये आपका साइन तो किया नहीं आपने इस पे? सबको मेरा विश्वास चलता मार्केट में। तूने मीका भाई को क्या दिया? मैंने भी पेमेंट इधर हो जाए तो पेमेंट देने दो। हजार दे रोड ना दे यार। नहीं नहीं नहीं, मेरा भी ऑलमोस्ट वाइट का ही है। ये कार्ड साहब कीजिए। ओहो, ये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अकाउंट नंबर बोलिए। 1 2 3 4 5 6। एक बात तो आपने मेरा बोल दिया है। इसमें कौन सा कार्ड स्वाइप करते? मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। प्रॉपर्टी तो सही लेके आ गया। इसमें डस्टर में नोट कर रहा है। ओके पाजी, एंजॉय द प्रोग्राम। ओके पाजी, चलो चलो बाद में हाथ एग्जिट लो फटाफट। चलो 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 चलो, कौन सा टेस्ट करने आपने? चलो एक बार दलेर पाजी के लिए, मीका पाजी के लिए जोरदार तालियां। सर आइए बैठिए प्लीज। पाजी, फिल्म शोले में एक डायलॉग था कि ठाकुर साहब वक्त पड़ने पे हम 15-20 पे तो भारी पड़ेंगे। हाँ। और पाजी ये डायलॉग मीका पाजी और दलेर पाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों ही 15-20 सिंगर्स पे भारी पड़ सकते हैं क्योंकि हर स्टाइल में गा लेते हैं, सूफियाना, पॉप, क्लासिकल, बॉलीवुड स्टाइल, और खुद का स्टाइल तो इनका माशाल्लाह सुपर हिट है ही। मैं दलेर पाजी का इतना बड़ा फैन हूँ, इतने सालों से जानता हूँ, मैंने कभी नहीं पूछा पाजी, पाजी आपका नाम दलेर, दलेर सिंह कहते हैं, ऐसा सच्ची बात है कि किसी डाकू के नाम पर रखा गया? जी बिल्कुल, ये सही बात है। जी जी, एक फिल्म आई थी जौहर महमूद इन गोवा, एक बहुत पुरानी, तो वो जो फिल्म देखी उसमें तो प्रेमनाथ साहब ने उसमें डाकू दलेर सिंह का एक रोल किया, डाकू दलेर सिंह। अच्छा। वो खूब डकैतियां मारता है, लेकिन जब जब देश की बात आती है तो उसको लगता है कि यार सारे लड़ रहे हैं, देश के मिलिट्री लड़ रही है, सारे जवान लड़ रहे हैं जी, तो वो डकैती छोड़ के देश के लिए लड़ते हुए जान दे देता है। तो मेरे माता पिता ने कहा कि अगर मुंडा होया जो अरदास मंगी है तो उसका नाम असी डाकू दलेर सिंह रखांगे। डाकू भी साथ में? हाँ डाकू। अच्छा पाजी तो दिलेर हैं, मिकल बहुत दिलेर हैं। पिछली बार हमारे शो पे आने के चक्कर में एक चैनल का शो छोड़ा। नहीं देखो, एक दोस्त के लिए सब कुछ कुर्बान। भैया ये तो मैं बिल्कुल, इसके जैसी दिलेरी तो सारी दुनिया ने नहीं देखी कभी। आप कौन सी वाले की बात कर रहे हैं? अच्छा नाम की बात चली है तो दिलेर पाजी से तो हमने पूछ लिया, एक्चुअली सालों से जानते कभी पूछा नहीं। मीका पाजी आपका नाम मीका आपकी पर्सनालिटी को बड़ा सूट करता है, मीका किंग डॉन, तो मीका आपका अपना नाम है कि धमका के किसी से छीनना? एक्चुअली पंजाब में जितना भी पाजी ने पता है, जितने भी अमरीक सिंह होते हैं उनका निकनेम मीका ही होता है, और मीका का मतलब तो मुझे पता नहीं, लेकिन माता पिता ने प्यार से मीका रख दिया और मीका ही हिट हो गया। माँ बाप ने जो प्यार से रखा है उनकी दुआएं हैं सर। पर आपकी पिटाई हुई कभी दलेर पाजी से? पिटाई नहीं एक्चुअली पाजी, तुझे देखो हम दोनों में से आपको
नॉटी कौन लगता है बताओ, सच में बताओ। कोई पूछने की बात ही नहीं है। शर्याम यही बस यही यही लगता कौन है, हमने देखा है बहुत बार। मैं अच्छा पाजी की आवाज इतनी पावरफुल है, 20 किलो का आदमी सुन लेना 200 किलो का हो जाता है। स्ट्रॉन्ग है इतनी वॉइस पाजी। लेकिन हमने सुना आप अंधेरे में डरते हैं। सच्ची बात है। ऐसा क्या दिखता है आपको अंधेरे में, क्यों डरते हैं आप? पता नहीं मुझे अभी तक समझ नहीं। जब मैं जब बहुत छोटा सा था तब भी मुझे लगता था कि अगर कितना भी अंधेरा हो, एक लाइट चाहे दूर से नजर आए तो मुझे बहुत तसल्ली होती। अंधेरे से भगवान जाने क्या घबराहट है। फिर जब थोड़ा बचपन से ही, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर, और जब भूत प्रेतों के किस्से सुनने शुरू कर दिए और यकीन पक्का हो गया। तो यकीन पक्का हो, क्योंकि कहाँ से झापड़ पड़ रहा पता नहीं लग रहा ना आपको। भाई इतना डरते हैं कि अभी भी जब टॉयलेट जाते हैं तो दरवाजा इनका खुला रहता है। और बाहर ना पूछते रहेंगे, हाँ तू बैठा बाहर। और हेलो, और अगर उनका जवाब नहीं है तो फिर कंफर्म करते हैं, हाँ तू बाहर बैठा क्या? नहीं हाँ जी भाई बाहर बैठा, हाँ बस ठीक है बैठा नहीं बाहर जाइए। कमाल कर चुटिए यार। दलेर पाजी को तो अंधेरे से डर लगता है। आई एम श्योर पाजी आप अंधेरा एंजॉय करते होंगे। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मुझे। नहीं एदा एदा कमाल है ना कि ए सारी रात डरदा सोंदा नहीं, जब सवेरे सूरज निकलदा फिर सोंदा है। मैंने इसलिए भी पूछा कि मे बी काला चश्मा लगा के रखते ना। मैं दिलीप हाँ, हो सकता है बिल्कुल। थोड़े समय पहले मुलाकात हुई थी, हमने पूछा था इनसे कि अगर मिक्का में एक कोई चीज बदलनी हो क्या, तो उसका मैं चश्मा उतरवाऊंगा। हाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ काला चश्मा क्यों लगाना था? क्यों क्यों मतलब राज क्या है इसका? बस दिलीप भाजी क्या है कि दिलीप भाजी जब भी ट्रैवल करते हैं हमेशा इतने सोने रूप में रहते हैं। तुम भी भाजी सिंह साहब हो तुम दोनों, तो मैं जब भी फ्लाइट में जाता हूँ तो सुबह ही लोग कहीं टकर जाते हैं भाई एक फोटो, तो सुबह मुंह इतना खराब होता है एक फोटो के चक्कर में 10 फोटो डालते हैं और फेसबुक पे लोग बोलते हैं यार बड़ा पैड़ा मिक्का यार। तो मैंने कहा ऐसा कुछ कर दो कि जितनी मेरी फोटोग्राफ जाते रहो यार, हाँ ठीक है तैयार हो जाना, मेरा मेकअप हो गया चश्मा पहना मेकअप हो गया बस। एक्चुअली ये सच भी है। आजकल कपड़े भी पहने लग गया बस जगह। आई एम तो वेयरिंग जस्ट बिकॉज माई सेकेंड मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। दलेर पाजी हमेशा बड़े एनर्जेटिक सॉन्ग गाते हैं, लेकिन आप जब जानते हैं दलेर पाजी को किंग ऑफ पॉप के नाम से उनके गानों पे थे रखते हैं। पाजी मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी गुलजार साहब का, एक बड़ा मेरा फेवरेट गाना है तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, अगर आपकी आवाज में हो जाए। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। पाजी के सामने नहीं कोई काम, हम तो हिम्मत भी नहीं करते। तो रुलाए मुझे जी भर क्या दे, वो रुलाता है तो रुलाए मुझे जी भर क्या दे, मेरी आंखें टूट जाए ना भरम, होठ हिलाऊं कैसे, टूट जाए ना भरम। ये परवेज मेहंदी साहब की गजल है और वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, जिनके नाम से मेरा, प्रवीण मेहंदी जी के नाम से मेरा नाम दलेर मेहंदी पड़ा। क्या बात है। अच्छा भगवान ने ऐसा गला दिया इनको, बहुत बार ऐसा होता है
कि आप गाते हैं, एक सेकंड के लिए आदमी सुर सुनता है, कुछ नहीं सुनते, आप रखो जिस भी काले पर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। पाजी क्या बात है। पाजी माहौल बनाया तो मिक्का पाजी के गानों पे दुनिया थिरकती है, डांसिंग नंबर। हाँ। पाजी कोई पुराना गाना आपके स्टाइल में, आज माहौल बना हुआ, लाइट फिर कम करो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे हमको जो ताने देते हैं, हमको है उन रंग रलियों में उनको भी छुप छुप के पीते देखा, इन गलियों में ये झूठ ये सच है झूठी बात नहीं, तुम ही कहो सच है ना। क्या बात है। कुछ तो लोग कहेंगे, क्या बात है। कपिल की तो भी गा दे यार। एक्चुअली कपिल कॉमेडियन नहीं बनना चाहता था, सिंगर बनना चाहता था, लेकिन इसकी सिंगर को सिंगिंग के लोगों ने कॉमेडी समझ लिया। फोन नहीं मैं गाना नहीं। और सच बताऊं जरूर गाना, मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा गाता कपिल सच में। क्या गाऊं, की गाऊं भाई, बहुत अच्छा है। ए पंजाब का फोक है, हीर बाबा बुल्ले शाह जी लिखा, भाई मैं सुना था। बिल्कुल सही है, तू ही बजा ले सारा, फिर मेरे को गाने नहीं दे रहा। हीरे आँख दी वे जोगिया झूठे आँखें कौन रुठड़े यार मनावदाई, ते ऐसा कोई ना मिलया जड़ा गया नु मोड़ लिया बधाई। खराब हो गया तर, 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 बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, शुक्रिया। सच बोल रहे हैं कि आज तक इस शो के अंदर तुम जिन्नी बार गाए सन आज सुर चज गए, सो स्वीट, थैंक यू भाई जी, दास बहुत सुर। मैं डर जाता हूं, नहीं बहुत सुरीला, बहुत सुरीला, क्या बात, शुक्रिया भाई, आपने कहा तो बहुत बड़ी बात है ये। वाह भाई वाह। नहीं एक दिन ऐसा जरूर होगा कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ और ये सिंगिंग कर रहा हूँ। आप कर रहे थे बीच में, आप इधर आ गए, आपने अपना काम खराब किया। हमने अपना काम करा, आपका काम ठीक हो गया यार, जोरदार तालियां के लिए। एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसे बने हुए हैं। कह लो कि उन्होंने मुझे क्लोन किया है। आप क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम है डॉक्टर मशहूर त्रिखा। त्रिखा? आपने मुझे लगाई, आप तो लेडीज हैं। कैसी है आप, कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं, तो आपने ऐसा भेस क्यों बना रखा है? क्योंकि मैं आपके और डॉक्टर गुलाटी की बहुत बड़ी फैन। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। आप मिली हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी से? सर मैंने जान दे देनी अगर आपने मिलने नहीं देना मेरे को तो। नहीं मैं अभी मिलवाता हूँ आपको बकायदा। हेलो हेलो, ओह माय गॉड, हेलो, फोन किया है क्या, बुला रहे हो डॉक्टर साहब? हेलो भाई जी, अरे आपकी बहन आई है। हेलो हेलो, हाय हाय, हेलो डॉक्टर।
एक्स्ट्रा हेलो Nice to see you. मैं as a doctor आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. Oh, that's... दिल्ली में एक ब्रांच खोली है हमने 50-50 हॉस्पिटल की. Okay, okay. सारे फालतू पेशेंट मेरे पास आते हैं. Obviously. और जितने भी इमरजेंसी केसेस हैं वो मैं कपिल शो पे भेज देती हूँ. Okay, okay. I'm Dr. Mishur Gulati, LLB UP. LLB? UP मतलब? LLB under process. मैंने बताया ना मैं अभी दो साल हुए हैं. I'm DCT. DCT मतलब? Dream come true. Oh yeah. But as a doctor, if Mehndi साहब मुझे आप अगर इजाजत दें तो I want to check her schooling. Please. As a doctor, मैं schooling नहीं की है. आइए please यहाँ पे आइए. I want to check just a second. Doctor. Yeah. Doctor साहब coat आपने orchestra वाला पहना है. आप अब doctor बने. कहाँ से आप doctor लग रहे हैं बताइए मेरे. तो आके नाच लो ना फिर तुम्हें orchestra नजर आ रहा है यहाँ पे. डॉक्टर सेलिब्रेट भी नहीं कर सकता इतने बड़े सिंगर आए हैं. ऐसे जूते कौन पहनता है? डॉक्टर को पहनता है? मैं पहनता है और कौन पहनता है ये कहा. चलिए आई वांट टू चेक योर स्कूलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. I think she's good. डॉक्टर साहब, हाँ जी, आपने कभी सोचा था आपकी इतनी बड़ी फैन होंगी कि आपके जैसे बाल लगाए उन्होंने मूछे भी लगाई हैं. हालांकि he is she. ये मैंने गौर नहीं किया. अच्छा वैसे मस्ती मजाक तो ठीक है पर मतलब आप ऐसे क्यों बन के आई हैं? मतलब वैसे भी आ सकती थी कि मैं डॉक्टर साहब की फैन हूँ आपको मिला देते आप डॉक्टर बन के आई. मैं आपको बताना चाहूँगी कि 7 अप्रैल को मेरे हस्बैंड की डेथ हुई और 2 साल वो वेंटिलेटर पे थे. हमने आईसीयू घर में ही बना रखा था उनके लिए और डेथ के बाद बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो गई थी मैं. तब आपका शो देखा मैंने और आप दोनों मुझे इतने पसंद आए कि मैं हमेशा इस लिबास में लोगों के टेस्ट करता रहता हूँ. बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. सिद्धू भाजी, ऑनर्ड ऑनर्ड, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन. मेरे को एक बार और मौका दे शो पे आने का. आप कभी भी आए, आपका पास बना देता हूँ. थैंक यू सो मच. कभी भी आए. मैं इस शो का पेड़ बन के भी रहना चाहूंगी. अगर आप चाहें तो मैं पेड़ भी बन सकती हूँ. इतनी डाई हार्ड फैन हूँ मैं इस शो. सो स्वीट. आप कभी भी आए मैम आपका हमेशा स्वागत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मीका जी, मेहंदी साहब मुझे ना बहुत जरूरी काम से साड़ी पहननी है. सो आई विल सी यू सम सम टाइम. या पाजी, आपने बहुत सारी सिचुएशन पे गाने गाए हैं. मैं आपको एक एक सिचुएशन देता हूँ. आपको फटाक से कोई गाना गाना है. ओके. पहला सिचुएशन है रोड, फॉर द रोड. कोई भी गाना रोड के लिए. रोड के लिए? हाँ. मैं जब भी रोड पे जाता हूँ तो अगर किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ तो मैं इतना बोलता हूँ, तेनू मैं लव करदा, बेमतलब करदा, ओ बहु मया सुनिए, बस आज रात के लिए, सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, मैं तेरा ही हूँ, ओ 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 For the night, for the night. रात का माहौल है और उसके लिए कुछ. आ जाओ पाजी. मेरे को लग रहा पाजी. अभी डिट्टो डिट्टो प्लग पाजी की आवाज निकालता. डिट्टो ये होती फसाने वाली बात. नहीं नहीं सच्ची. नहीं नहीं छोटे भरा दे साडे फसाने वाली बिल्कुल. और एक अच्छी बात ये है कि ये पूरा पाजी की तरह खड़ा भी होता है. पूरा जैसे पाजी खड़े होंगे और पूरा बैलेंस पेट ऐसे हर चीज जैसे होनी चाहिए ना. और पाजी की एनर्जी ऐसी है ना. कर क्यों हा? और एक मिनट, ये लॉन्ग कोट देना यार. ये
मैंने बहुत साल पहले सोनी टीवी पे गैग किया था और पाजी ने वहां से पकड़ लिया। अच्छा दिलेर पाजी की एंट्री होती है बड़ी शेरों की तरह, स्टेज पे आते ही ऐसे कि बस आए चल के आए चल देखो वो रब रखा थोड़ा सारे सत श्रीकाल जिंदगी बर्बाद हो गया। तुम्हारे भैया प्यार नहीं करते मुझसे। ऐसा काहे कह रहे हैं? क्या कहे? दिलेर जी, मीका जी, हमारा जिंदगी तबाह हो गया। कैसे कैसे? कि भैया प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है। हाँ 2000 रुपए का छुट्टे लेने के लिए गए, 15 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो छुट्टा लेना तो एक बहाना है, वो आपकी चुड़ैलता से घबरा के भागे हैं। क्या हुआ? परसों हम वो सार्वजनिक शौचालय होता है ना, वहाँ गए थे तो उसने कहा कि 5 रुपया बिल हो गया तुम्हारा, हमने 500 का नोट दे दिया, कहता छुट्टा नहीं है 495 का और कर लो। हमको बताए ना, हम तो बुला लिए होते, हम 495 का कर लेते, अभी परसों ही 900 का किया है हम। कर करके अपने पिताजी का प्लाट बिकवाएगी तू, देखा है। वैसे मीका पाजी हम बहुत बड़े फैन हैं। हम आपके फैन हैं, पूरे शो के बहुत बड़े फैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका ऐसा इतना ऐसा डांसिंग वाला गाना बजाते हैं आप, ए है, है, इतना हम इसका गाना सुन सुन के इतना सारा डांसिंग किया, पूरा धरती हिला देते हैं। हिलाते नहीं है, जमीन धस जाता है, भूकंप कहते हैं उसको। वैसे आप बताइए, आपको गंदी बात का आइडिया कहाँ से आया? खबरदार हमारे मुंह के बारे में कोई ऐसी बात की तो। देखिए खुद ही का मुंह को गंदा कह रही हैं। ये तो बहुत खूबसूरत है, आप तो सच्ची में बहुत खूबसूरत। तो हमको शादी से पहले मिलना चाहिए था आपको, अभी इसको मिला। आपने काला चश्मा पहना ना, उतार के देखो। सर दलेर जी, आप अपने भाई को शादी करने के लिए क्यों नहीं कहते हैं? नहीं देखिए, वैसे 3-4 बार तो ये जवान हो चुके हैं। ओए होए। कई बार तो हिंट भी दे चुके हैं, लेकिन जब भी हिंट देता है कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाता है। अब पूरी मैंने जवानी निकाल दी तो बुढ़ापे में मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसा। वैसे एक बात तो है मीका भाजी, आपका दिल्ली में घर है, आपका पंजाब में घर है, बॉम्बे में घर है, दुबई में घर है, घर में आप रहते नहीं, कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं आप? वैसे सुनिए, आप हैं कंट्रोवर्सी किंग। हाँ जी, हाँ जी, बैठे बैठे बैठे। क्या हो गया? बड़े भैया के साथ बैठिए, बात आपसे करना है। आपसे करने तो आपसे बैठेंगे ना, बैठो। शादी आपकी नहीं हुई है, हमारी हुई है। रिश्ते की बात तो बड़े भाई से होगी ना, कुवारे आप हैं। बात सुनो मेरी बात। हाँ, बैठिए। रिश्ते की बात किससे? इससे? इससे तो हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया। हम क्या कह रहे हैं जी, आप कंट्रोवर्सी की, तो इसके भैया को भी थोड़ा सिखाइए ना कंट्रोवर्सी करना। हमारे साथ कभी कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं वो। अगर टाइम से कंट्रोवर्सी किया होता ना, तो आज 2-4 ब्रेकिंग न्यूज घूम रहा होता हमारे घर में छोटा छोटा।
सिखाई है ना उनको थोड़ा सा। ये देखो आजकल तो काफी टाइम से मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं आ रही, बल्कि मेरे भाई हैं जो आजकल काफी फॉलो कर रहे हैं। ये बड़े ट्वीट कर रहे हैं, ये बहुत ट्वीट करते हैं और बहुत शरीफ इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इनको ये पता चल गया कि कंट्रोवर्सी जो भी है वो की नहीं जाती, हो जाती है। जैसे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। वैसे ही ये कंट्रोवर्सी करते नहीं, हो जाती है। नहीं नहीं, इतना आसानी से नहीं बच सकते हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा? देखिए क्या है कि आज मीका भी है, मौका भी है, मेहंदी भी है, हमारे सुने सुने हाथ भी हैं। तो आपके नाम का मेहंदी अगर हमारे हाथों पे लग जाए तो, और देखिए इत्तेकाफ का बाद देखिए आज हमारा हैप्पी बर्थडे भी है। ओ वाह, हैप्पी बर्थडे। हमारा भी बर्थडे होता है? हाँ, लगा था किसी बिल्डर ने बनाया तुम्हें। इसका बर्थडे नहीं होता, बर्थ ईयर होता है। पूरा साल पैदा हुई थी जब ये हुई थी। देखिए बर्थडे पार्टी का तो ऐसा एक्सपीरियंस है आपको, हमारा हम केक भी ले, एक केक ले आइए जरा, हम मंगाए हैं केक आपके लिए। अच्छा जी, हम काटेंगे यहाँ पे आपके साथ। गड़ 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 गड़। अरे ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या है? हम तैयार हो रहे हैं, बर्थडे पार्टी है। थोड़ा और लगा लेना तो पूरा बंदरिया लगेगी। अच्छा है, आइए हमको केक काटना है और हम आपको एकदम, अरे आइए तो देखिए केक काटेंगे और आपको पूरा खुला छूट है, आप जैसा बर्थडे पार्टी मनाते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपको एक बार सारे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मे यार। ओके, बहुत साल पहले मैंने बर्थडे मनाया था, क्यों ना आज भी मना दूं। ठीक है, आइए हम अपने आप बर्थडे थोड़ा और नहीं चाहिए, तनिक और थोड़ा और प्यार में यहाँ फिर अच्छी तरह। को किसी की नजर ना लगे, नजर ना लगे किसी की। तो एक बार दलेर पाजी और मीका पाजी के लिए जोरदार तालियां। पाजी थैंक यू। एक सेल्फी हम अपने मेहमानों के साथ हमेशा लेते हैं। अरे ये ब्यूटी भी तो ऐड करो। संतोष ब्यूटी भी ऐड कर। हां बर्थडे गर्ल, हां थोड़ा इधर हो जाओ, तुम्हारा मुंह अंदर आ रहा है। थैंक यू। नहीं आया तेरा। हम कह रहे हैं कि इनका बर्थडे है तो कम से कम शादी नहीं तो डांस तो कर लीजिए हमारे साथ, इसके साथ थोड़ा रोमांस तो कर लीजिए। देखो सच में हम इतना आपको प्यार करते हैं कि आपके लिए एक स्पेशल गाना गाएंगे जो हमारा नया गाना है सुनिए, सो जो पहली बार कपिल शर्मा के शो से ही शुरू हो रहा है। ओहो, और एक बार दलेर पाजी और मीका पाजी ने गाना शुरू किया फिर मुझे कोई नहीं सुनेगा। सो इससे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहें द कपिल शर्मा शो।